पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सावन के आखिरी सोमवार पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए गंगाजल लेकर आ रहे कावड़ भेड़ों से पीतल नगरी भगवा में हो गई। शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह रहा। दो माह तक चली कावड़ यात्रा की रौनक रविवार को आस्था के सैलाब में बदल गई। दिल्ली रोड पर एक तरफ लगे शिविरों की वजह से सड़क पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। हालात ये थे कि पैदल चलने के लिए भी लोगों को श्री महादेव सेवा समिति द्वारा आज विशाल विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। वैसे भंडारे तो 23 हो गए, लेकिन 3 हमने कोरोना काल में छोटे स्तर पर किए थे। विशाल भंडारे का आज 20वां आयोजन हो रहा है, और जो कि पिछले वर्षों से होते ही चला आ रहा है। और जैसे ही सावन शुरू होता है, एक मन में भोलेनाथ की कृपा है कि भंडारे की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सभी लोग इस तैयारी में जुट जाते हैं, और इस पे भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये बड़े स्तर पर होता है। और सभी कांवरिये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर भोजन करते हैं, और मेरा सभी कांवरियों से यही अनुरोध है कि शांतिपूर्वक बहुत अच्छे से भगवान की पूजा में लीन रहें, और ये भंडारा हमेशा ऐसे ही चलता रहे। भगवान अपनी कृपा इस पर बनाए रखें। भोलेनाथ से लगातार ये चल रहा है ये भंडारा। इसको भैया 20 वर्ष हो गए चलते, 23 वर्ष हो गए वैसे तो चलते हुए। कोरोना काल में हमने इसे छोटे स्तर पर किया था, लेकिन विशाल भंडारा हमारा 20वां है इस बारी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।